परिवार में। Myself, Dr. Ankita, Consultant, Obstetrician and Gynecologist from Tendapam Hospital. आज हम लोग बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वैसी प्रेगनेंसी को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप कर जाते हैं जो एडवर्सली मैटरनल एंड फीटल आउटकम को अफेक्ट करते हैं and they become a risk factor to continue the pregnancy and baby ka outcome kharab ho sakta hai. Sometimes ye jo hai kuch risk factors aise hote hain jo pehle se patient ke andar hote hain, jaise wo diabetic ho, hypertensive ho, some hormonal imbalance ho like hypothyroid and sometimes they are having some congenital heart disease patient or some chronic kidney disease. और पेशेंट्स के अगर एज जो है टीन एज प्रेगनेंसी है लेस देन 18 ईयर्स और एल्डरली पेशेंट्स लाइक मोर देन 40 ईयर्स एज पेशेंट इफ दे आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट, ये सारे फैक्टर्स जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी तो नॉर्मली कंसीव हो जाती है लेकिन आगे चल करके वो हाई रिस्क बन जाती है। वैसे केसेस होते हैं जब पेशेंट को जीडीएम हो जाए, जेस्टेशनल डायबिटीज और समटाइम्स जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी जिसमें लीवर की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कभी कभी पेशेंट जो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से या कंसीव होते हैं जब वो मल्टीपल प्रेगनेंसी होते हैं यानी ट्विन प्रेगनेंसी और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, अगर उसकी पहले से कभी कोई सर्जरी हुई हो जैसे प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन या मायोमेक्टोमी या फिर उसका कभी कोई हिस्टेरेक्टमी प्रोसीजर हुआ हो। कभी कभी पेशेंट्स की बार बार रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री भी रहती है और कभी कभी उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंट्रायूटराइन डेथ का हिस्ट्री रहता है और प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री रहती है जिसमें कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी पाया जाता है जिनमें हम लोग सर्वाइकल इंसरक्लास करते हैं। इन सभी केसेस में इन सभी पेशेंट्स को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कैटेगराइज करा जाता है। समटाइम्स जो प्लासेंटा होते हैं वो बिलो कवरिंग द लोअर यूट्राइन पॉज उसको कवर करके रखते हैं, उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड करती है और उन्हें पूरे प्रेगनेंसी में हमें बड़ा बेड रेस्ट पे रखना पड़ता है। इन सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी फैक्टर्स को हम लोग को इनका एंटीनेटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको प्रेग्नेंट होना है तो आप पहले ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए सो दैट हम लोग इन रिस्क फैक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करके इसको ट्रीट कर सके और आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी दे सके। और ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप आपके सारे इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी होते हैं ताकि अगर जब भी इस टाइप के हाई रिस्क फैक्टर्स आप में डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम लोग अर्ली आइडेंटिफाई करें और उसको मैनेज करें और आपको एक हेल्दी बेबी दें। थैंक यू।